सो अज की वीडियो से गल करते हैं भी जे तुम भी कैनेडा अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स लैके आए हो तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है भी कितने PR लेती जाए क्योंकि ये कोर्स के कई अजिहे प्रोग्राम चल रहे हैं ऑल ओवर कैनेडा जिथे तुम अपनी PR रेजिडेंसी या परमानेंट रेजिडेंसी कन्फर्म कर सकते हो। सो सब तो पहले गल करा भी की है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स, ये चाहे तुम इन कह लो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन चाहे कह लो अर्ली चाइल्डहुड असिस्टेंट। ये डे केयर्स जॉब्स करनी होंगी है जिथे मॉर्निंग पेरेंट्स तुहाडे कोल बच्चे ड्रॉप करके जाएंगे तो इवनिंग 6 बजे तक सारे डेकर खोलते हैं 6 बजे तो पहला पहला अपने बच्चों को पिक कर लेंगे। सो उसके दौरान जो बच्चों को खान पीन की लोड़ है वो प्रोवाइड करना, उस तो इलावा बच्चों डिफरेंट डिफरेंट तरह की प्रोग्राम करानी, उन्होंने आउटडोर एक्सरसाइज वास्ते लेके जाना या उन्होंने वास्ते पूरा दिन की करनी, जिवें कुछ टाइम वो पेंटिंग वगैरह करनी, कुछ टाइम वो ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ टाइम वो सैंड प्ले नू दे सकते हैं, कुछ टाइम वो वाटर प्ले नू दे सकते हैं। सो उन्होंने हर एक दिन की एक्टिविटी प्लान करने लई तुहानू अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स करना पऊ। हुण कोर्स करन तो बाद अक्सर स्टूडेंट पुछदे आ भी PR कित्थे अपलाई कर सकते हैं, तो सब तरह के प्रोग्राम दसन जा रहे हैं अज की वीडियो। सब तो पहला वधिया प्रोग्राम जो मेरा फेवरेट है वो हैगा BCPNP। अज दे टाइम च ब्रिटिश कोलंबिया जिथे PR होना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है, उत्थे ही जे तुसी एज अ अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर 1 ईयर काम करते हो उत्थे जे तुसी अज दे टाइम च BC दे विच तुहाडे कोल उत्थों दा सर्टिफिकेट हैगा एज अ अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर तां तुसी अपने पहले पे चेक ते अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। पहले पे चेक दा की मतलब है? पहले पे चेक दा यह मतलब है भी तुहानू BC दे विच सर्टिफाइड एडुकेटर बनना पो। जो तुम वह बन गए तो तुहाडे कोल जो तुम अपनी स्टडी की आ वो एक पब्लिक कॉलेज की आ, दैन तुम पहले पे चैक से अपने इंपलायर तो जॉब लैटर लै सकते हो, तो जॉब लैटर 60 पॉइंट पूरे हो जाएंगे आसानी से, तुम अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। हूँ इसके डिसएडवांटेज यह नहीं जो तुम प्राइवेट कॉलेज के स्टडी की है फिर की होगा, जो तुम यही स्टडी प्राइवेट कॉलेज की है तो तुम्हारी फाइल स्किल्ड वर्कर के अंडर लगो तो तुम्हें 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। सो इन्ना क ध्यान जरूर रखियो जो तुम BC ब्रिटिश कोलंबिया मूव होना भी तुम्हारे को स्टडी आ पब्लिक कॉलेज की होनी चाहिए, कॉलेज की गुड रेपुटेशन होनी चाहिए, दैन उ जाके अपना लाइसेंस कन्वर्ट कराओ BC दे विच, दैन तुसी इंप्लॉयर मानता जॉब लैटर लो ते अपनी PR अप्लाई कर दो, बहुत सौखा। दूजे नंबर से तुम की कर सकते हो किसी भी अटलांटिक प्रोविंस के मूव हो सकते हो। अटलांटिक प्रोविंस तो मेरा मतलब नोवा स्कॉशिया, न्यूफाउंडलैंड, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड या फिर न्यू ब्रंसविक, इन्होंने चारे प्रोविंस के कितने भी मूव हो जाओ। 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैनेडा जो तुहाडे कोल हैगा, फॉर एग्जाम्पल तुसी टोरंटो दे विच एज अ अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर 1 ईयर काम किया, दैन तुसी PR की ऑप्शन लभ रहे हो डायरेक्ट इन्हों प्रोविंस के चारे प्रोविंस के कितने भी मूव हो जाओ, जिहड़ा उत्थों का डेजिग्नेटड इंपलायर है वो तो तुसी जॉब लैटर लैना अपनी PR अप्लाई कर सकते हो। सो 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैनेडा कितने भी चल सकता, बस तुसी एक सही इंपलायर लभना जो तुहानू जॉब लैटर दे। उस तो इलावा तुसी सस्कैचवान दे विच मूव हो सकते हो, जे सस्कैचवान दे विच तुसी मूव हुंदे हो आपके सर्टिफिकेट नाल अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर सर्टिफिकेट नाल एंड तुहाडे कोल इत्थे लाइसेंस कन्वर्ट हो जांदा, दैन तुसी 6 महीने काम करना, उस तो बाद अपनी PNP अप्लाई कर सकते हो, PR लै सकते हो। उस तो इलावा अल्बर्टा के भी सेम रूल है, तुहाडे कोल 1 ईयर का एक्सपीरियंस ऑल ओवर कैनेडा कितने भी है, दैन तुसी मूव हो जाओ तो उत्थे दैन तुसी डेजिग्नेटेड इंपलायर तो अपनी फाइल लाओ तो अल्बर्टा रूरल कम्युनिटी प्रोग्राम उसके अंडर अपनी फाइल लगा सकते हो। हुण सोचने वाली यह गल आ भी कित्थे मूव होया जाए तो की सोचना चाहिए अपन मूव होने तो पहला, सब तो पहला अपन देखना चाहिए अपन मूव कित्थे हुंदे आ, किसी बिग टाउन दे विच हुंदे आ या स्मॉल टाउन दे विच, की उत्थों दा इंपलायर तुहाडी हैल्प करूगा। जे तां तुसीं हुण निक्के टाउन विच मूव हुंदे हो तां उत्थों दा इंपलायर तुहाडी हैल्प जरूर करूगा क्योंकि उन्हें लोड़ आ अर्ली चाइल्डहुड एडुकेटर्स की। जे तुसीं ऑनलाइन चैक करोगे इंडीड ते तां पता लगेगा अज दे टाइम च कैनेडा नूं घट्टो घट 20,000 तो 30,000 इंपलायर की लोड़ आई हो जिन्हां कोल सर्टिफिकेट है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, जो काम कर सकते डे केयर्स दे विच क्योंकि डे केयर की डिमांड डे बाय डे बढ़ती जा रही है। उस तो इलावा कि गल तुसी ध्यान च रखनी है, जे तुहाडे कोल ओनली लैवल 1 आ दैन तुसी काम करके अपनी PR नहीं लगा सकते बहुत सारे प्रोविंस दे विच, सो तुहाडे कोल जां तां लैवल 2 होना चाहिए या लैवल 3। लैवल 2 लैण वास्ते तुहाडे कोल कैनेडा दे विच अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का सर्टिफिकेट कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, जे तुसी लैवल 3 लैणा गा दैन तुहाडे कोल कैनेडा दे विच डिप्लोमा होना चाहिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का। जे तुहाडे कोल डिप्लोमा है या तो एक पब्लिक कॉलेज दे विच डिप्लोमा है दैन BC बहुत वधिया एग्जाम्पल है, जाओ BC ब्रिटिश कोलंबिया मूव हो जाओ PR ले लो, अदरवाइज ट्राई कर सकते हो सस्कैचवान। जे तुहाडा कोई फ्रेंड है इत्थे 6 महीने का एक्सपीरियंस चाहिए किसी निक्के टाउन दे विच मूव हो जाओ तो अपनी PR लै सकते हो, सिर्फ जॉब लैटर चाहिए इंप्लॉयर वालों जिवें BC दे विच
ਉਨੀ ਸੇਮ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਮੂਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਯੂਜ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ ECE ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਮੈਂ ਸਸਕੈਚਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਭਰੂੰਗਾ ਸਸਕੈਚਵਨ ECE ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਭਰੂੰਗਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਓ, ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਡਿਟੇਲਸ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਹ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨਾ BC ECE ਰਜਿਸਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਭਰੋਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜੋਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਜੋਬ ਲੈਟਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ PR ਲਗਾ ਲਓ। ਸੇਮ ਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲੀ ਭਰ ਲਓ ਅੰਟਾਰੀਓ ECE ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਭਰੋਂਗੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਗੂਗਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਲਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ PR ਲਈ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ ਐਸ ਸੂਨ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਨਿਊ ਫਾਊਂਡਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਨਵਾ ਸਕਾਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਹੋ ਗਈ, ਸਸਕੈਚਵੈਨ, ਅਲਬਰਟਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਾਂ ਯੂਕੋਨ। ਇਹ 8 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਟੋਟਲ 10 ਤੋਂ 11 ਨੇ। ਸੋ 8 ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਐਜ਼ ਆ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਐਜੂਕੇਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੋਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਪੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ $22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $26 ਤੱਕ ਪਰ ਆਵਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡੇ ਕੇਅਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੋਇਸ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।